यार लुधियाना में ये चीज मैंने कहीं नहीं देखी। अमृतसर में मैंने केसर का ढाबा किया था तो वहां पे यार दाल को ऐसे तड़का मारा जाता था। अब यहाँ देखो तड़का, अरे वाह। यार अभी मैं खड़ा हूँ ऋषि ढाबा के किचन के अंदर और बड़ी कमाल की किचन है। मेरे साथ अभी खड़े साजन भैया। थैंक यू भैया, सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया। जी वेलकम, आपका थैंक यू, आप आए हमारे पास, आपने टाइम दिया अपना। ये हमारी टेम्परेरी किचन जहाँ पर पीछे से तैयार हो गया था। अच्छा। यहाँ पर गार्निशिंग वगैरह होती है। वाह, ये हमारा तंदूर है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। ये सामने तंदूर एरिया है, ये पीछे कारखाना ना भी आपका गली है, पीछे किचन बहुत बढ़िया मिक्स वेज है। वाह, ओए होए, ये मिक्स वेज चेक करो यार, क्या रंगत है मिक्स वेज की, बहुत ही कमाल लग रही है। ये चना मसाला, चना मसाला, हाँ जी, ये ड्राई में होता है, ड्राई चना है। हाँ जी हाँ जी, ड्राई में होता है। बहुत ही बढ़िया है, चना मसाला चेक करो, ठीक है, कितना कमाल है। ये हमारी खीर है, बहुत सारी बढ़ी है। ये हमारी खीर है, स्पेशल पैकिंग के लिए। हाँ जी, पैकिंग खीर है। वाह, हाँ जी, पर पूरा पिस्ता, काजू, बादाम, बहुत ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया। ये थाली के अंदर आती है, थाली के अंदर भी आती है, अंदर सर्विंग भी होती है, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा हो गया भरता। हाँ जी, क्या बात है जी, मॉडर्न ढाबे पे देसी भरता मिलना तो बहुत ही आज की डेट में मुश्किल है जी। हर तरह के कस्टमर आते हैं, कोई भरता भी खाता है, करेले भी होते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, क्या कमाल बात है जी। अगली क्या चीज है सागर भैया? ये आ गया हमारा कढ़ी, आ गई कढ़ी पकौड़ा। वाह, अब ये चीज चेक करो यार, पंजाबी कढ़ी, क्या बात है जी, क्या बात है, और रंगत इतनी कमाल, बहुत बढ़िया। उससे आगे आ जाओ सर, देसी घी के अंदर बनती है, टोटल देसी घी, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा मटर पनीर। ओए होए, मटर पनीर चेक करो यार, एक बार पनीर दिखाना भैया निकाल के। हुआ इसमें फ्राइड पनीर आता भी है? सिंपल फ्राइड पनीर नहीं आता इसमें, सिंपल पनीर, फ्राइड पनीर थोड़ा कीड़ा हो जाता है, फ्राइड पनीर डालते नहीं। अच्छा, ये आ जाता है हमारा पालक पनीर। वाह जी वाह, आज तो यार सब्जियां गिन गिन के थक जाओगे, इतनी सब्जियां और इतनी कमाल की ना इस ढाबे पे, बहुत ही शानदार। और क्या भैया नेक्स्ट? ये आ गया, ये येलो दाल आ गई, येलो दाल। अच्छा, जो काली नहीं खाना पसंद करते, घर वाला टच चाहिए, तो येलो दाल चने की होती है, बहुत बढ़िया छोले की दाल यार। इधर आ गया आपका राजमा, ये राजमा अपने, हाँ जी, ये भैया जम्मू स्टाइल राजमा के अपने दूसरे राजमा के, जम्मू राजमा, जम्मू राजमा। टोटल ऐसे कितनी आइटम्स होती है सागर भी अपने पास? ये तो मैंने खुद नहीं गिनी। अच्छा, ये आपके सामने ही वाला, ये मशरूम मटर है। तो यार ढाबे पे इतनी आइटम्स है, भैया ने खुद भी नहीं गिनी। अब ये आ गया जी मशरूम मटर। मशरूम को ना हमारे पंजाब में खुम्बा भी कहते हैं। हाँ जी, शाही पनीर। वाह यार, ये मेरे को लगता है काजू का पेस्ट डालते हो इसमें ना? नहीं, ये सारी दूधी ग्रेवी होती है, दूधी ग्रेवी, बीच में काजू भी पड़ता है। अच्छा, मतलब टोटली दूध है, बहुत ही बढ़िया यार, टोटल दूध की ग्रेवी है। इसमें आ गया, वाह, चीज टमाटो चेक करो यार, ट्राइंगल शेप में पनीर काटा हुआ है, और लुक है जो इसकी, बहुत ही बढ़िया। सर ढाबा अपना पुराना कितना है? ये 1985 का है। 1985। सुबह 5 बजे दाल शुरू होती है, पूरा दिन देख चलती रहती है। जी, जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो ऋषि ढाबे की दाल का स्वाद है, ये स्वाद है, पूरा दिन दाल करती है। तो धर्मेंद्र भैया क्या बनाने लगे हो? बटर चिकन हो रहे हैं, चीज बटर मसाला। अब ये यार ये थाली लग रही है हमारी स्पेशल ऋषि ढाबे की, सुपर डीलक्स थाली। अब इसमें है ढेर सारा मक्खन, ये आगे जी पनीर, और बीच में हरी मिर्ची। तो भैया यार यहाँ पे बॉम्बे चलाते हैं, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त साग निकालते हैं, चढ़ के चलना पड़ता है यहाँ पर भाई साहब। पनीर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा, ये है चौ मसाला जी। कौन सा मसाला? चौ मसाला है जी। अच्छा, ये मसाला, अरे वाह। अब क्या है जी? काजू का पेस्ट। हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त। तो चीज बटर मसाला तैयार हो चुका है यार यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। प्रेम भैया प्रेम, बड़े प्रेम के साथ हमें खिलाने वाले हैं कि ऋषि ढाबा की थाली लगाओ सर, क्या क्या आएगा इसमें बताते जाना। मिक्स वेज आएगा। अब ये पहली आइटम आ गई जी मिक्स वेज। वाह, अब ये आ गई जी दाल मखनी। वाह,
अभी सब्जियां ना फाइनल नहीं है, आप फाइनल लुक चेक करना, कितनी कमाल आएगी ना रोगन और क्रीम के साथ पालक पनीर। वाह, अब ये चीज कॉमन ही है यार, ये तो बड़ा मन था मेरा खाने का पालक पनीर। अब ये तैयार है जी हमारा चीज बटर मसाला, ये रखी है बीच में। अब आ गया जी एकदम ठंडा ठंडा बूंदी वाला रायता, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट इसमें क्या आएगा सर? चना मसाला। वाह, तो प्रेम भैया लास्ट में डाल रहे हैं जी प्रेम के साथ चना मसाला। और थाली की रंगत तो और रंग चेक करो भाई साहब, इतनी कमाल लग रही है ना, इतनी सुंदर आपको बता नहीं सकता मैं। अब ये लग रहे हैं जी एकदम करारे लच्छे पराठे तंदूर के अंदर, ये भी आएंगे हमारी थाली में। लच्छे पराठे को नहलाया जा रहा है देसी घी से। देसी घी प्योर देसी घी होता ना, प्योर देसी। ये अमाउंट ऑफ घी चेक करो यार पराठे के ऊपर। वाह, तो किचन में यार सारा कुछ प्रिपरेशन देख ली, एक डेढ़ घंटा हो गया किचन एरिया आप पीछे इनकी फैक्ट्री हर चीज़ देख ली। बट अब जो एक डेढ़ घंटा वेट करने के बाद चीज़ मिली है वो है ये देखो, ये है जी यहाँ की सुपर डीलक्स थाली, दाल, चीज़ बटर मसाला, मिक्स वेज पुलाव, छोले मसाला, और ये बड़ी कमाल लग रही थी मेरे को ये पास से देखो, पालक पनीर। और मिक्स वेज तो यार है ही है हर जगह, मिक्स वेज तो हर जगह रहती ही है यार, उसके बिना तो ढाबे कंप्लीट नहीं है, छोटे हो बड़े हो हर जगह मिक्स वेज मिलती है। द अमाउंट ऑफ देसी घी इसके ऊपर देख रहे हो ना, घी कितना है ये लिटरली भाई साहब, नीचे जब ऐसे किया था ना नीचे से गिर रहा था घी इस पर। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आवाज़ आ जाए तो कमेंट कर देना कि आपको आवाज़ आई थी। एकदम खस्ता क्रिस्पी लच्छा पराठा। अब ये दाल सूर्य इसको जगाते हैं, अब जगाना कैसे है, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, ये जाग गई देखो। ओए ओए नज़ारे, इश्क लव, बस भाई ऑनलाइन जोमेटो भी बहुत खाया है। अभी हाथ देख रहे हो मेरे, ये अमाउंट ऑफ घी है पराठे के ऊपर, आप समझ लो देसी घी कैसे यूज होता है यहाँ पे। अब ये दाल देखो, अब ये है जी पनीर, चीज बटर मसाला। इनके जो शेफ साहब है उन्होंने बहुत तारीफ की कि सर ये हमारा बहुत ज्यादा बिकता है, तो चेक करते हैं ये भी कैसा है। दूसरे शहरों में ना मैंने बड़े जगह पनीर खाया, मजा आता है। लुधियाना में ना कई कई जगह पर पनीर बढ़िया नहीं था, बट ये कमी पूरी होगी यहाँ के, चीज बटर मसाला का फैन हो गया मैं। अभी है जी पालक पनीर, एकदम घुली हुई पालक है, दरदरी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है। बट अगर दोनों पनीर में से आपको चूज करना पड़े कि पालक ली जाए या चीज बटर मसाला, तो चीज बटर मसाला ही खाना। पालक किसी किसी को फ्लेवर पसंद आता है, हर किसी को नहीं आता, मेरा फ्लेवर पालक वाला नहीं है, मेरे को तो भाई इसने फ़ैन बना लिया। ये पूरी थाली है, ये अलग लगवाया था बस मैंने, बाकी चीज़ें आपको थाली के अंदर मिल जाएंगी। और थाली के साथ एक और चीज़ आएगी जो बढ़िया, वो है केसर खीर। बढ़िया बढ़िया खाना खा के मीठा भी चाहिए, तो ये केसर खीर। अगर इतना बढ़िया खाना देख के वीडियो लाइक नहीं ना की तो भाई फटाफट कर दो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो।